नेताओं की अगली पीढ़ी मैदान में आने को तैयार। जी हां, कांग्रेस में और कोई बदलाव नजर आए या न आए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं के पुत्र रिश्तेदार लोकसभा चुनाव में एंट्री के लिए तैयार दिख रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन्हें एंट्री सिर्फ विरासत के तौर पर मिल रही है। हालांकि कोई भी नेता अभी इस दावेदारी पर खुलकर नहीं बोल रहा है। अगले कुछ दिनों में ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इसी बीच दावेदारी जारी है, फैसला हाईकमान और सिलेक्शन कमेटी करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दिग्गजों की अगली पीढ़ी ताल ठोक रही है। स्वर्गीय वीसी शुक्ला, मोतीलाल वोरा, सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह जैसे बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियां और रिश्तेदार दावेदार बन रहे हैं। सवाल वही कि अगर विरासत की सियासत होगी तो फिर आम नेताओं का क्या होगा। सबसे पहला नाम वीसी शुक्ल की बेटी प्रतिभा पांडे का। पिता की मौत के बाद लगता है वो विरासत संभालने को तैयार हैं। प्रतिभा पांडे महासमुंद से टिकट के दावेदार बताई जा रही हैं। हाल ही में उनके घर पर मोतीलाल वोरा से मुलाकात को भी इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि वोरा ने इसे पारिवारिक मुलाकात कहा है, दावेदारी पर बोलने से बच गए। महासमुंद से दावेदार है प्रतिभा जी। ऐसा है कि दावेदारी के मामले में अभी तो मामला छानबीन समिति के पास है और छानबीन समिति के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति को जाएगा। कितना सशक्त मानते हैं उनकी दावेदारी को आप व्यक्तिगत तौर पर? मेरे दृष्टि में तो सभी सशक्त होते हैं, फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करती है। दिलचस्प बात ये कि महासमुंद से ही श्यामा चरण शुक्ल के पौत्र युवा नेता भवानी शंकर शुक्ल की भी दावेदारी बताई जा रही है। बीकॉम कर चुके 29 साल के भवानी लॉ की तैयारी में हैं और युवा होने के नाते मानते हैं कि युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सांसद है, विधायक है, वो भी युवा रहते, एक युवा की जो पीड़ा है, युवा की जो एक सोच है, उनके साथ वो जुड़ सके और उनके साथ वो आराम से बिना फॉर्मेलिटी के काम कर सके और एक एफिशिएंसी आए काम में। इस कारण से मैं चाहता था कि युवा को राहुल गांधी जी ने वादा भी किया है, तो मेरे को लग रहा था कि राहुल गांधी जी उस कारण से अगर जिसको भी करे फाइनल, वैसे तो जैसा भी हाई कमांड बोलेगी उसके लिए हम भिड़ेंगे, मगर युवा आएगी तो उसमें और अलग जोश रहेगा, एक अलग उत्साह रहेगा। खुद कांग्रेस दिग्गज मोतीलाल वोरा की तीसरी पीढ़ी भी मैदान में उतरने की दावेदारी कर रही है। पेशे से डॉक्टर युवा आशीष इस वक्त मुंबई के डीवाई पाटिल अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। वोरा के सुपुत्र अरुण वोरा दुर्ग से विधायक चुने जा चुके हैं। अब दुर्ग सीट से आशीष वोरा की दावेदारी बताई जा रही है। आशीष डॉक्टरी के साथ साथ यूथ कांग्रेस और चुनाव प्रबंधन का काम देखते रहे हैं। कमेटी में सारे मापदंड देखे जाते हैं, मापदंड के आधार पर ही प्रत्याशी का चयन होता है और टिकट मांगने का अधिकार प्रजातंत्र में सबको है। सर्वे के आधार पर, मापदंड के आधार पर टिकट देने का काम पार्टी हाईकमान। कांग्रेस का एक और नाम सत्यनारायण शर्मा। दिग्विजय के जमाने में सीएम जैसा ही रुतबा रखने वाले सत्यनारायण शर्मा की विरासत संभालने के लिए उनके पुत्र भी तैयार हैं। पिता की राजनीति संभालने वाले पंकज शर्मा रायपुर सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि वो इस दावेदारी को विरासत नहीं मानते। जिला पंचायत के सदस्य होने के नाते मैंने आरंग क्षेत्र की सेवा की, उसके अलावा संगठन में विभिन्न पदों में मैंने काम किया। मैं अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं ग्रामीण का। सोनिया जी, राहुल जी ने मुझको ये पद की जिम्मेदारी दी है और सारे वो कर्तव्य जो मुझको कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्देश किए जाते हैं मैं उसका पालन करता हूं। नए दावेदारों में एक नाम आरती सिंह का भी है। कांग्रेस के पुराने नेता राम पुकार सिंह की बेटी आरती रायगढ़ से लोकसभा सीट की दावेदार बताई जा रही हैं। विरासत की ये दावेदारी खुद नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव भी मानते हैं, लेकिन उनके मुताबिक टिकट सभी संभावनाओं को देखकर दिया जाता है। ये नाम है, ये प्रचलन में है नाम, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है सक्रिय भी हो। पंकज शर्मा हैं, ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इनको इसलिए टिकट ना मिले क्योंकि वो सत्यनारायण शर्मा जी के लड़के हैं,
ये अनुचित होगा। वो चांसेस उनके जीतने या हारने के दूसरे और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तुलना में कैसे होगा, वो असेस करके उनको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्या हकीकत ऐसी ही है? क्या अपने पुत्रों पुत्रियों की दावेदारी के लिए दिग्गज दबाव नहीं बनाते? विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जहां भी नए चेहरे उतारे उसे कामयाबी मिली। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी फॉर्मूले के आधार पर टिकट देगी। इसके अलावा राजनीति बदलाव के दौर से गुजर रही है और यहां पर गुंजाइश युवा और मजबूत कंधे वाले नेताओं की ज्यादा है, लिहाजा ये तमाम बातें कांग्रेस के नेता पुत्रों के पक्ष में जाती हैं। लेकिन जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन उनके पक्ष में उस तरह से नहीं जाती है। कुल मिलाकर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास नए और युवा चेहरे उतारने का मौका है, लेकिन सवाल फिर वही कि अगर इस तरह सियासत की विरासत संभाली जाएगी तो फिर उनका क्या होगा जो टिकट की उम्मीद में सालों साल से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। समय के लिए रायपुर से रुपेश गुप्ता।